रो रही थी माता द्रौपदी। अर्जुन आए, बोले देवी अब रोने से कोई फायदा नहीं, क्या रोने से तुम्हारे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे, पर जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और कृष्ण भगवान रथ लेकर आए और रथ में अर्जुन बैठ गए और जिधर अश्वत्थामा था उधर ही भगवान रथ लेकर जा रहे। अश्वत्थामा कुछ दूर पे अर्जुन थे, देखा डर गया और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो अर्जुन डर गए, बोले प्रभु आप तो परमात्मा हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकर, तुमेको दयमानानाम अपवर्गो संसंस्ते। प्रभु तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ प्रभु। तो भगवान ने बताया, तुम तो सब जानते हो उद्धव, तुम तो सब जानते हो अर्जुन, विष का काट विष ही है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं हमारे पैर में कांटा लग गया, अब उस कांटे को निकालने के लिए कांटा का ही जरूरत पड़ता है, कांटा को कांटा ही निकाल सकता है। तो समझ गए और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब जब दोनों ब्रह्मास्त्र आके एक में लड़ा तो बिजली तड़कने जैसी आवाज हुई, और ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अर्जुन गए और अश्वत्थामा के केस को पकड़ लिया और घसीटते हुए ले गए माता द्रौपदी के पास और बांध दी। अब तो अश्वत्थामा टुकुर टुकुर माता द्रौपदी की तरफ देख रहा है, जैसे कोई अनाथ होता है। यहां तो हमने देखा कि सभी का सेवा हो रहा है जो अनाथ है, उन पे विशेष जोर दिया जा रहा है। नारायण सेवा संस्था में अनाथों का बहुत सेवा हो रहा है। ये नहीं लगने दिया जा रहा कि मेरे पिता माता नहीं है, अब तो जैसे अनाथ होते हैं ऐसे ही टकटकी लगाकर देख रहा है। माता द्रौपदी को तो दया आ गई। अर्जुन बोले अब बताओ देवी इसको हम किस तरह से मारें, जिंदा जमीन में गाड़ दें कि जिंदा आग लगा दें उसमें जले। इसको तलवार से काट दिया जाए।
लेकिन द्रौपदी माँ को तो उसका बांधा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बंधुनायनम सती मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी को बांधा जाना अच्छा नहीं लगा। छोड़ दीजिए, अगर हमसे आप पूछते हैं छोड़ दीजिए, मत मारिए इनको। अर्जुन बोले, क्या कहती हो देवी तुम? इसने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मार दिया और तुम इसको छोड़ने के लिए कहती हो? माता द्रौपदी बोली, छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनकी माता कृपी इन्हीं के सहारे जीती है। और इनको आप मार देंगे वो किसके सहारे जिएंगे? एक माता का कष्ट एक माता ही समझ सकती है। हम तो हमारे पुत्रों को इन्होंने मार दिया, लेकिन मैं आप लोगों के सहारे जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन इनके माँ के तो पति भी नहीं है। इन्हीं के सहारे जीतती है, छोड़ दीजिए। फिर अर्जुन ने सभी भाइयों से पूछा। फिर जब भगवान कृष्ण की बारी आई, पूछे बताइए हम क्या करें, तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार माययो भय मामनातम परिपाहनो शासन। कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का भी बध नहीं करना चाहिए और आतताई बाल हत्यारा को छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमारी दोनों बातों का पालन करो, क्योंकि तुम सब समझते हो। समझ गए अर्जुन। और उसके सिर में महाराज एक मणि लगा था, उसको निकाल लिए और भारी सभा से धक्का देकर बाहर निकाल दिए। अब तो अश्वत्थामा जा रहा है और मन में सोच रहा है, इतना बेइज्जती किया भरी सभा में मेरा, इस खानदान में कोई पानी देने वाला तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तब तक हंस पड़ा, छोड़ना क्या है, हम मारेंगे ही किसे जब कोई बचा ही नहीं। तो द्रौपदी के पांच पुत्र थे पानी देने वाले, मैंने मार ही दिया, अब कौन बचा है? तब तक फिर याद आया, अरे चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारा गया, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था और इस समय वो नवमास पूर्ण कर रहा है और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो महाराज उत्तरा
ब्रह्मास्त्र देखी तो भगवान के पास दौड़ी। पाही पाही महायोगी, देव देव जगतपति, नान्यं तुद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा बोली, भगवान तो रथ पर चढ़ गए थे। तब तक दौड़ती हुई उत्तरा आई और बोली, प्रभु आप तो जगदीश्वर हैं, महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये जो जलता हुआ लोहे का बाढ़ आ रहा है, ये मुझे मार दे प्रभु, पर मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाए। माताएं बहुत बुद्धिमान होती हैं। अब बताइए, जब वो बचेंगे तभी तो उनका पुत्र बचेगा। भगवान सूक्ष्म रूप लेकर गर्भ में चले गए और ऊपर से उनके सिर पर हाथ रख दिए और अपनी गदा से रक्षा की। और पूछे, बेटी कैसा लग रहा है? बोली, प्रभु क्या बताएं, बड़ा अच्छा लग रहा है।